गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम आपके हिंदी फर्स्ट बसंत भाग दो के पांचवें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है मिठाई वाला। यह एक कहानी है और इसके कहानीकार भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं, जिनका जन्म कानपुर के मंगलपुर ग्राम में 11 अक्टूबर 1899 को हुआ था और इनकी मृत्यु 8 मई 1973 को हुई। प्रेम पथ मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, त्यागमयी, दो बहनें, मनुष्य और देवता इनके प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह में प्रमुख हैं मधुपर्क, खाली बोतल, उपहार, दीप मालिका और बाती लव, इनके कहानी संग्रह हैं। बच्चों, आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ये बहुत ही अच्छी कहानी है जो आपको अच्छे से समझ में आएगी और पसंद भी आएगी, रोचक भी है ये। इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने एक पिता का बच्चों के प्रति प्रेम भाव को दर्शाया है। किस प्रकार से एक पिता अपने बच्चों को खोने के बाद अन्य बच्चों में उस खुशी की तलाश करता है, वह भी पहले अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था जो मिठाई वाला था और उसके पास मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। उसके पास सुंदर एक पत्नी थी तथा दो छोटे छोटे बच्चे भी थे, लेकिन बाद में वे नहीं रहे। वह घुल घुल कर नहीं मरना चाहता था, बल्कि सुख और संतोष के साथ मरना चाहता था। इसलिए वह बच्चों के बीच कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, तो कभी मुरली वाला बनकर जाता था। वह बच्चों को चीजें देकर तथा उनके बीच रहकर सुख और संतोष प्राप्त करता था, जिसका इस कहानी में मार्मिक चित्रण किया गया है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है। एक आदमी था जो पहले एक खिलौने वाले के रूप में आता है। वह अपने मधुर स्वर में बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला गाकर सुनाता है। सभी बच्चे अपनी तोतली आवाज में उनकी कीमत पूछते हैं, खिलौनों की कीमत पूछते हैं। बच्चों से पैसे लेकर तथा खिलौने देकर वह फिर वहां से गीत गाता हुआ चल पड़ता है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम, उस नगर में एक व्यक्ति ऐसे थे जिनका नाम राम विजय बहादुर था। चुन्नू मुन्नू उनके दो बच्चे थे। वे भी एक दिन खिलौने लेकर आते हैं। उन बच्चों की माँ जो थी, जिसका नाम की रोहिणी था, उसने इतने सुंदर और सस्ते खिलौने देखकर सोचने लगती है कि वह खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने कैसे देकर चला गया। 6 महीने बाद नगर में किसी मधुर मुरली बजाकर मुरली बेचने वाले का समाचार पूरे शहर में फैल जाता है। फिर से 6 महीने बाद वह बहुत सस्ती मुरली बेचता था। रोहिणी उसकी आवाज सुनकर पहचान गई कि ये वही खिलौने वाला है। रोहिणी को ये आवाज जानी पहचानी सी लगी और रोहिणी अपने पति के द्वारा इस मुरली वाले को बुलवाती है और अपने बच्चों के लिए मुरली खरीदती है। यह देख बच्चों का जो समूह था, झुंड था, वो खुश होकर उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं मुरली वाले के, और मुरली वाले ने सभी बच्चों को मुरली दी। उसके बाद उस बच्चे को भी मुरली देता है वो, जिसके पास की पैसे भी नहीं थे। तो पहले ये मिठाई वाला क्या बनकर आया? खिलौने वाला, और बाद में ये मुरली वाला बनकर आया। और ये ऐसा मुरली वाला था जो कि सस्ते में भी मुरली दे देता था या खिलौने दे देता था। खिलौने वाला बनकर आया तो सस्ते में खिलौने भी दे देता था, और मुरली वाला बनकर आया तो सस्ते दामों में मुरली को भी दे देता था। यहाँ तक कि जिस बच्चे के पास पैसे नहीं होते थे तो वो उसे मुफ्त में भी देकर चला जाता था। अब मुरली वाले के जाने के बाद
8 महीना बीत जाता है और 8 महीने के बाद एक मिठाई बेचने वाला गीत गाता हुआ आया उस नगर में। रोहिणी को इसका स्वर भी कुछ सुना हुआ सा लगा, क्योंकि ये वही व्यक्ति था जो पहले खिलौना लेकर आया, बाद में मुरली लेकर आया और अब वह मिठाई लेकर आया था। वह अपनी छत से, रोहिणी जो है वो अपनी छत से तुरंत नीचे आती है, वो मिठाई वाले को बुलाती है और उससे पूछती है कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है, क्योंकि वो जितनी भी बार मतलब मुरली लेती है तब भी वो सस्ता देता है, और जब बच्चे उससे खिलौने लेकर आते हैं तो खिलौने सुंदर भी रहते हैं और सस्ते भी रहते हैं, तो ये बार बार देखती है और इसलिए वो अब ये उस खिलौने वाले से पूछती है कि वह इतनी सस्ती चीजें क्यों बेचता है, जो कि इस बार क्या बेचने आया, मिठाई बेचने आया। तब मिठाई वाले ने उसे बताया कि उसके दो बच्चे और पत्नी भी थे, पत्नी थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं रहा उसके पास। वो अपनी पुरानी बातों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने बताया कि वह इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की झलक देखने के लिए यह सामान बेचता फिरता है। कभी वह खिलौने वाला बनकर आता है, कभी वह मुरली वाले बनकर आता है, और अब वो मिठाई वाला बनकर आया है, ये रोहिणी को बताता है। वह रोहिणी के बच्चों चुन्नू मुन्नू को कागज की पुड़िया में मिठाई बिना पैसे लिए ही देकर गीत गाता चला जाता है, क्योंकि उसे बीती बातें याद आने लगती हैं। तो इस तरह से बच्चों, ये कहानी का सारांश मैं आपको बता दी। ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह उस दुखी मतलब व्यक्ति की ये कहानी है, जिसने अपने पत्नी और बच्चे को खोने के बाद सुख और संतोष से मरने की इच्छा के लिए या अपने मन को सुख और संतोष देने के लिए वो इस तरह से खिलौने वाला, मुरली वाला और मिठाई वाला बनकर नगर में जाता था और बच्चों के बीच रहकर उसे बहुत सुकून मिलता था, संतोष मिलती थी, शांति मिलती थी। तो इस तरह से ये कहानी का सारांश यहीं समाप्त होता है बच्चों। अब इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों के मैं अर्थ बताना चाहूंगी। जैसे मादक, मादक मतलब होता है मस्त। केछा, केछा यानी होता है कैसा, क्योंकि ये बच्चे तोतली भाषा में कैसा को केछा बोल रहे हैं। अस्थिर, अस्थिर का मतलब होता है जो कि स्थिर ना हो। स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होता है प्रेम में डूबा हुआ। स्नेह यानी क्या होता है, प्रेम, तो स्नेहाभिषिक्त का अर्थ होगा प्रेम में डूबा हुआ। कंठ मतलब होता है गला। उस्ताद मतलब होता है कुशल। साफा मतलब होता है पगड़ी। मृदुल मतलब होता है कोमल। चिक मतलब होता है घूंघट। स्मरण मतलब होता है याद, किसी का स्मरण करना मतलब याद करना, तो स्मरण मतलब होता है याद। छज्जा मतलब होता है छत का आगे वाला भाग। छत का आगे वाला भाग यानी छज्जा बनी हुई होती है मकानों में, तो छत के आगे एक हिस्सा निकला हुआ सा रहता है जिसे कहते हैं छज्जा। सोथनी का अर्थ होता है पाजामा। अंतरव्यापी का अर्थ है बीच में फैला हुआ। दुअन्नी का अर्थ है दो आने, पैसा दुअन्नी, पहले चलते थे दो आने, तो दुअन्नी दो आने को बोला जाता था। क्षीण मतलब होता है नष्ट। आजानु लंबित मतलब होता है घुटनों तक लंबे, चाहे जो भी चीज हो, आजानु लंबित यानी घुटने तक लंबे। केश राशि मतलब बालों का समूह। पोपल मुंह का मतलब जिसमें दांत न हो, जिसके दांत नहीं रहते तो पोपला मुंह रहता है ना, तो उसे कहा जाता है पोपल मुंह। चेष्टा मतलब होता है कोशिश। अतिशय मतलब होता है बहुत अधिक। कोलाहल मतलब होता है शोर। तो इस तरह से इस पाठ के ये
शब्दार्थ है बच्चों। अब आप इसमें होमवर्क में आपको इस शब्दार्थ का शब्दों के अर्थ को याद करना है या शब्दार्थ याद करना है और इस कहानी को भी आपको पढ़ना है। बहुत रोचक लगेगी आपको, बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए कहानी को जरूर पढ़ें और आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद बच्चों।